Proceeding further, we come to next concept, which is formation of differential equation. Okay. Now, to form the differential equation, what is the requirement? हमें क्या पता होना चाहिए जहाँ से हम differential equation form कर सकते हैं. Okay. What should be given to us? We should be known with the solution. It may be general solution or particular solution. Okay. हमें solution पता होना चाहिए. We should know the solution of differential equation. If we know the solution of differential equation, we can find its the differential equation or we can form the differential equation. अब जैसे ये है, सपोज आपको ये दिया हुआ है, e रेस टू 3x प्लस बी e रेस टू माइनस 3x. यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज अ जनरल सोल्यूशन. ओके, अब आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो इसे आप सीधे सीधे दो बार डिफरेंशिएट कर दीजिए. डी वाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, इट विल बी 3a e रेस टू 3x माइनस 3b e रेस टू माइनस 3x. सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कीजिए, यू गेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9a e रेस टू 3x प्लस 9b e रेस टू माइनस 3x. इसमें आप 9 कॉमन ले लीजिए, आपको a e रेस टू 3x प्लस b e रेस टू माइनस 3x मिल जाएगा. ओके, दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y. सो व्हाट यू हैव सीन, वी हैव सीन दैट अ सोल्यूशन, बेटर टू से जनरल सोल्यूशन इज गिवन टू अस. ओके, and when we differentiate it, we get the differential equation. So to form the differential equation, what you have to do, you have to differentiate the general solution or solution or particular solution. Okay, to form differential equation, comma, differentiate the given solution with respect to इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया है, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, अब इसमें अगर जो आपको सोल्यूशन दिया हुआ है वो जनरल सोल्यूशन है, इफ गिवन सोल्यूशन इज जनरल सोल्यूशन, अगर गिवन सोल्यूशन आपका जनरल सोल्यूशन है, ओके, देन डिफरेंशिएट एज मैनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट, एज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट एंड also eliminate the arbitrary constants. And also eliminate the arbitrary constants from the differential equation. ठीक है, तो differential equation form करने के लिए simple सी बात है, आपको क्या करना है, given solution को आपको differentiate करना है. ठीक है, differentiate कीजिए, differential equation form हो जाएगा. डेरा डिफाइंड कीजिए, differential equation form हो जाएगा. और अगर given solution आपका general solution है तो उसमें arbitrary constants होंगे, जैसे इस केस में था. ठीक है, जैसे इस केस में था, ये आपका general solution है, इसमें arbitrary constant है a और b. तो करना क्या है, general solution है तो differentiate as many times as the number of arbitrary constants present. जितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट है उतने बार आपको डिफरेंशिएट करना है. यहाँ पे दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट है तो आप इसे दो बार डिफरेंशिएट करोगे. ओके, यू विल डिफरेंशिएट टू टाइम्स. फर्दर आगे क्या है, ऑल्सो एलिमिनेट द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन. फाइनल आंसर में आपके जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, मतलब फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा उसमें जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है वो नहीं दिखाई देने चाहिए. अब जैसे यहाँ तक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट दिखाई दे रहे हैं, फिर हम ए ई रेस्ट टू एक्स प्लस बी रेस्ट टू माइनस एक्स, हम बी ई रेस्ट टू माइनस थ्री एक्स को वाई ले सकते हैं, तो ये डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y हो गया. यू कैन सी इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन देर आर नो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स. अब यही एक बात है जो डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेट करती है. ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को लेके ये कह दें कि फाइंड द डेरिवेटिव, तो कोई इतना सॉल्व करके कह देगा हो गया डेरिवेटिव. अगर हम कह दें फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, तो कोई इतना सॉल्व करके कह देगा हो गया सेकंड डेरिवेटिव. ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए कि ये जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो, आप ये स्टेप करो आंसर छोड़ दो, मार्क्स कट जाएंगे, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको. ठीक है, जो डेरिवेटिव आपने फाइंड किया उस पर जो अलॉटेड मार्क्स होंगे उतने ही मिलेंगे,
जब ये दिया जाएगा और कहा जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो, तो सीधी सी बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप फॉर्म करोगे इसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस का डिफरेंस देखिए, यही क्वेश्चन डेरिवेटिव में आता है, कहा जाता है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो, तो यहां तक भी किसी ने सॉल्व कर दिया ना तो भी उसे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाता है और ये दिया है और आपसे कहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर आपको यहां तक जाना मस्ट हो जाता है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, प्लीज नोट इट डाउन।